कंध दे झगड़े नूं लै के गुआंढियां ने मार दित्ता मापियां दा इकलौता पुत। चार जाणियां ने घेर के एक व्यक्ति दे उत्ते कीता जानलेवा हमला ते उतार दित्ता मौत दे घाट। मृतक पिछे अपने बुजुर्ग प्यो पत्नी ते दो साल दे मासूम बेटे नूं छड्ड गया पिछे। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, झगड़ा चल रहा सीगा। इस दौरान जदों देर रात मृतक व्यक्ति घर तो बाहर निकलिया सीगा तां उस वक्त चार जाणियां ने घेर के उसकी बुरी कुटमार की, बेरहमी दे नाल कुटमार की, जिस तों बाद गंभीर रूप दे विच जख्मी हो जाता है जिसनों हस्पताल पहुँचाया गया ते मौके ते ही नौजवान की मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि वह अपने पिछे परिवार विच बजुर्ग पिता पत्नी अते दो साल का बेटा छड़ गया है जो कि इंसाफ की उड़ीक दे विच ने कि उन्होंने इंसाफ जरूर दिता जाएगा। तो दस दिए कि पिंड दसिया जा रहा है कि नाभा ब्लाक के पिंड खेड़ी जट्टां दा यह पूरा मामला है जिथे कि 27 साल किसान रामजीत दा कतल कर दिता गया। गुआंढियों के वलों ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया क्योंकि गुआंढियों के नाल कई दिनों तो या कई समय तो कंध नूं लैके रौला चल रहा सीगा। जो रामजीत खेतों नूं पानी लगाउण दे लई रात दे समय बाहर निकलता है घर तो रास्ते दे विच गुआंढी जिहड़े ने उह चार व्यक्ति दस्से जा रहे ने जिन्हां दे वलों घेर के उसकी बेरहमी दे नाल कुटमार की गई ते कुटमार इस कदर की गई कि गंभीर रूप दे विच जख्मी हो जाता है ते इसे दौरान ही जिने रामजीत है उसनू हस्पताल जब पहुँचाया जाता है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दसिया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच पड़ताल भी की जा रही है पर दोषी जिहड़े ने हले तक भी फरार दसे जा रहे हैं तो दोषियों की भाल जिहड़ी है वह की जा रही है। तो गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिले कि किस कदर कंध के झगड़े को लेकर चार जाणियां ने मापियां दा इकलौता पुत मार के रख दिता। उस छोटे जे मासूम बच्चे का नहीं सोचा, उस बजुर्ग पिता का नहीं सोचा, उस धी का नहीं सोचा जो उसके नाल व्याही हुई सी। तो इन चार जाणियां ने उस रामजीत नूं घेर के कुटिया, कुट के उसनू जख्मी कर दिता। जब हस्पताल पहुँचाया गया तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो बेहद ही दर्दनाक खबर है कि किस कदर चार जाणियां ने एक घर का दीप बुझा के रख दिता, चार जाणियां ने एक घर दे विच पूरी सोग की लहर जगा के रख दिती, किस कदर चार जाणियां ने उसनू घेर के कुटिया, जख्मी किया ते मौके ते ही फिर उसकी मौत हो जाती है। मापियां दे वल्लों हुण इंसाफ मंगिया जांदा है, बजुर्ग पिता दे हंजू इंसाफ मंगते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा जिहा मासूम बच्चा जो अपने पिता की उड़ीक कर रहा सीगा उसनू हुण कदी भी उसका पिता नहीं मिलेगा, तो वह पिता दी जो उड़ीक कर रहा बच्चा वो इंसाफ मंगता हुआ नजर आ रहा। तो देखना होगा कि आखिरकार होर की कुछ निकल के इस मामले दे विच सामने आता है, कदों तक मुलजमान की गिरफ्तारी की जाती है, तो की कुछ कहना है परिवारक मैंबर का। एक बार मौके दी तस्वीर तुहानू जरूर दिखा दें। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੜੀ? ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਬਪੋਤਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਆਹ ਕੰਧ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਮਜੀਤ ਦੀ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਚਾਂ ਕੁਰਚਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੀ ਆਪ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ
मैं कहता सारे परिवार है पिछोकड़ जो भी यह 93 च हटे थे उदो पहला यह कई कतल कर चुके थे ज्यों के बंद भी अग लाती थी इन्होंने दत्तियां दुत्तियां मार के सारे नगर को पता इलाके भी पता है हूँ चलो कुछ पंचायतां वधिया गए कुछ प्रशासन ने ठीक करे काम यह टिक गए थी कुछ इन्हें अपनी जमीनी जमीन जायदाद थी वो बिक गई थी हूँ दोबारा जी अगली पीढ़ी है उन्हें भी यही काम फट लिया जी बहुत माड़ा करे परिवार तो अच्छ जमा मतलब बहुत दुख च चलिया गया इक्के बेटा थी बच्चा भी अगर छोटा जा लड़की को कुछ नहीं बजुर्ग ने घरवाली भी इन्हें है नहीं वो भी डैथ हो गई थी बस इतना हूँ तिने परिवार वधिया अपना गुजारा करते थे खेतीबाड़ी करके बारमूरे ये बच्चा जी इन्ह का आया तो बेचारा नीचे उतरने वास्ते घर वास्ते आ रहा थी पिछे तो वह बेटे ने इन्ह ने तो चार जन ने इन्हों मारकुट की असं सामने बैठे तो इन्होंने चार जन हथों पाई करके कहना मुंडे की पिछे तो आके बार बार की राड़ मारी हटाने की कोशिश की थी जी जो किसी ने नहीं हटे जी डरद ने लोगों ने कहा कि सानू भी मार देने हथियार थी जी उन्होंने को राड़ा चार बच्चे चार थे जी ये इन्हों कढ़ के जाना चाहिए इतों सख्त सजा जो भी है जी करनी चाहिए है क्योंकि बच्चे की लाश बन के आई है पिंड खेड़ी जट्टा रामजीत सिंह पुत्र मेजर सिंह दे लड़ाई झगड़ा होने करके सट्टा लगियां तो अमर हस्पताल चो दौराने इलाज मौत हो गई वेरीफाई किया जाके पता लग्या इन्हों का अपने गुआढ़िया जसपाल सिंह झगड़ा चलता ही कंधा का पाना जिसनों लैके इन्हों की कुछ दिन पहला तकरार हुई सी रामजीत अपने खेतों वापस आ रहा है तो जसपाल तो वो बेटिया ने डंडे से सोटिया अपने मार के गर्दन चे डंडा मारिया पिछे तो जिद जख्मी हो गया डिग पैर इलाज दौरान मौत हो गई इन्हों के खिलाफ 302 मुकदमा दर्ज कर लिया दोषी जसपाल सिंह है वह बेटा सुखविंदर सिंह एक बेटा हैगा वरिंदर सिंह तो एक घरवाली अमरजीत कौर बिल्कुल गुआढ़ी ने जी चंद्र मोनी वशीकरण करवाओ मन चाहा प्यार पाओ परेशानी जिवे पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा प्यार च धोखा होया प्यार वापस पौना कर्जा मुक्ति तलाक केस विदेश यात्रा जां पीआर च रुकावट नमस्कार पहला मेरा किते भी लव मैरिज नु लेके काम नहीं बन रहा सी फिर मैंने किसी ने बारे दसिया मैं उन्होंने को गई तो मेरा काम भी बनया उस तो पहला मैं बहुत बाबिया को धक्के खाए बहुत थावां ते गई पर मेरा किते भी कोई काम नहीं बनया तो जेकर तुसी भी अपना लव मैरिज का कोई काम कराना है तो इन्हों जरूर संपर्क गुरु करीम खान जी 99 150 43 150